आप सभी से मेरा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है नोकिया अभी हिस्ट्री बन चुका है? कमेंट जरूर कीजिएगा। अब नोकिया की तरफ से हमें देखने को मिल गया था बहुत दिन पहले नोकिया 5.1 प्लस और 6.1 प्लस, वो भी काफी अच्छे प्राइस के साथ, काफी अच्छे स्पेक्स के साथ। उसके बाद हम सभी को ये लग रहा था कि भाई हाँ, नोकिया अच्छा काम करेगा इन फ्यूचर, पर ऐसा हुआ नहीं। नोकिया एक के बाद एक जो फोन लॉन्च कर रहा था वो कहीं ना कहीं स्पेक्स बहुत ही कम हो रहा है, प्राइस बहुत ही ज्यादा। पर अभी एक गुड न्यूज आ रहा है नोकिया की तरफ से, नोकिया लवर्स के लिए। नोकिया बहुत जल्द भारत में लॉन्च करेगा नोकिया 8.2, वो भी काफी अच्छे स्पेक्स एंड प्राइस के साथ, और कहीं ना कहीं ये रेडमी K20 को डायरेक्ट कंपीट भी कर सकता है। क्या है नोकिया 8.2 में, क्या है खास नोकिया 8.2 का जो स्पेक्स है उसमें, क्या होगा इसका प्राइस, क्या होगा इसका फीचर्स, और कब तक ये आपको भारत में देखने को मिल जाएगा? तो नोकिया फैन देखते रहिए ये वीडियो। तो चलून करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। पॉपअप सेल्फी कैमरा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ट्रिपल कैमरास, अब यही ट्रेंड्स बन चुका है हर एक स्मार्टफोन ब्रांड का। अभी नोकिया भी पीछे नहीं रहा। अब आप देख सकते हो नोकिया बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है नोकिया 8.2। फीचर्स और स्पेक्स कुछ इस तरह का ही आपको मिलेगा। नोकिया 8.2 में आपको जो बिल्ड एंड डिजाइन मिलता है वो ग्रेडियंट कलर्स के साथ, बीच में आपको ग्लॉसी पैनल देखने को मिलेगा, और हाँ ये ग्लास डिजाइन के साथ आएगा, यानी इसमें जो यूज किया जाएगा वो है ग्लास बॉडी, काफी अच्छा लग रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलेगा पीछे में, पर ट्रिपल कैमरा आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहां पे डिस्प्ले की बात करूं तो नोकिया 8.2 में आपको मिल जाएगा 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले। सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इस बार देखने को मिल जाएगा नोकिया 8.2 में, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, साथ में यहां पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। अभी अगर मैं यहां पे रैम एंड रोम की बात करूं तो जो सुनने में आ रहा है नोकिया 8.2 में आपको 6GB और 128GB वाला वेरियंट और 8GB 256GB वाला वेरियंट देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप एट ए टाइम दो सिम या तो एक सिम और एक माइक्रोएसडी कार्ड का उपयोग कर सकते हो। डुअल 4G वोल्टी को यह सपोर्ट करेगा, और हाँ आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। नोकिया 8.2 में यूज किया जाएगा क्वालकम स्नैपड्रैगन 735, पर रेडमी K20 में था क्वालकम स्नैपड्रैगन 730, तो कहीं ना कहीं 730 से 735 आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, काफी इफिशियंट होगा, बैटरी भी आपको खास मिलने वाला है। अभी इस प्रोसेसर में आपको बहुत सारा AI फीचर्स भी मिल जाएगा। अभी इसमें जो कैमरा, यही इस फोन का और एक बाय प्रायोरिटी है, क्योंकि नोकिया 8.2 में आपको पीछे में तीन कैमरास मिलेगा। जो प्राइमरी कैमरा होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ 13 मेगापिक्सल का, और जो अंत में आपको मिलेगा वो मिलेगा 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, और सामने में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा 32 मेगापिक्सल के साथ। तो कहीं ना कहीं ये आपको काफी अच्छा फीचर्स भी दे रहा है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, यस भी रहेगा, इन डिस्प्ले फ्लैश आपको इस बार मिल जाएगा। अब इस फोन में बैटरी की अगर आप बात करूं तो नोकिया 8.2 में आपको 4000mAh बैटरी मिलेगा और टाइप सी का सपोर्ट भी मिलेगा। नोकिया 8.2 में दिया जाएगा आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, क्विक चार्ज 4.0 को यह सपोर्ट करता है, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। Android Q के साथ ही आएगा, इतना ही नहीं इसमें आपको Android 1 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी आपको 3 साल के लिए अपडेट रेगुलरली मिलता रहेगा। और आप तो जानते ही हो जो स्टॉक Android का एहसास होता है वो आपको Nokia 8.2 में मिल जाएगा। इस पे सब सेंसर्स आपको मिल जाएगा, एंड यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको इन डिस्प्ले मिल जाएगा, और पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ फेस अनलॉक। यही था नोकिया 8.2 का कुछ नया फीचर्स और स्पेक्स, कैसा लगा आपको? मुझे लगता है आप काफी इंटरेस्टेड हो इस फोन के लिए,
क्योंकि जो फीचर्स यहां पे दिया गया है वो तो काफी बढ़िया। और एक फीचर्स मुझे अच्छा लगा, नोकिया 8.2 में यहां पे डॉल्बी सराउंड का आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। कब तक आएगा भारत में? देखिए, इसके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है, पर जितना लग रहा है नोकिया 8.2 आपको नियर अबाउट अक्टूबर के महीने पे आपको ये मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, इसका जो प्राइस होगा वो जो बेस वेरिएंट होगा मुझे लगता है 22,000 के बीच में ही आपको ये मिल जाएगा। अगर 22,000 या इससे नीचे आपको मिलता है तो रेडमी K20 के लिए ये एक कड़ी टक्कर बन सकता है। उम्मीद करता हूं नोकिया इसी प्राइस रेंज में लॉन्च कर दे भारत में। आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है।